तमाम देश के जाने माने कवि हमारे साथ मौजूद हैं। 78 साल की आजादी को हम मना रहे, लक्ष्य बहुत सारे, उन लक्ष्य पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले उसी रंग का जिक्र करेंगे। बिना फौज, बिना सेना, बिना सैनिक के आजादी अधूरी है। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, क्या बात, जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए, क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर के उनकी देखो तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर, बना ली आजादी जागीर, उनके बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी, अरे भूखे सोते हाय, आहा, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। एक एक पंक्ति के साथ यात्रा कीजिएगा कि भड़क रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, क्या बात है, कितने सीधे, कितने सच्चे, कितने मन के भोले, दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले, अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले, कि जिनकी मौत बनी त्योहार, युगों तक होगी जय जयकार, गगन से ऊंचा था किरदार, धरा पर आए थे अवतार, फांसी की बरमाला पहने मंद मंद मुस्काए, क्या बात है? उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। वाह, और देखिएगा क्या क्या त्यागा उन्होंने, कैसे कैसे त्योहार मनाए, कि माँ के हाथ की रोटी छोड़ी, जेल की रोटी खाई, क्या बात है, हाथों में हथकड़ियां पहनी, राखी ना बंध पाई, आजादी के मीठे सपनों वाली ईद मनाई, घर घर हो जाए दिवाली, ऐसी अलख जगाई, कभी देखो उनके परिवार, जहां हर कोने में अंधियार, जहां एक बूढ़ी माँ बीमार, जहां एक पिता बहुत लाचार, जिनके घर 15 अगस्त को, जिनके घर 15 अगस्त को, अरे बिजली काट दी जाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, कहा, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद, क्या बात है, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको बताया, समझाया शंभू जी। तो इस बार की जो आजादी है वो पूरी तरह से सेना के नाम, हालांकि इस बार का जो थीम है वो आत्मनिर्भर भारत है, लेकिन सेना के बिना ये आजादी वाकई अधूरी है, एक एक सैनिक के बिना आजादी अधूरी है। के होता वही है दोस्त जो किस्मत में लिखा है, होता वही है दोस्त जो किस्मत में लिखा है, हर बार हमने जीत का ही स्वाद चखा है, एक बात दुनिया जानती और मानती भी है, भारत के सैनिकों के आगे कौन टिका है, भारत के सैनिकों के आगे कौन टिका है, खिलते हो फूल जहाँ भारतीय एकता के, आप ऐसे राहों के हिराही बन जाइए, कविताएं लिखनी हो जब भी वतन पे तो लेखनी की आप खुद स्याही बन जाइए, सत्य जहाँ बार बार झूठ को परास्त करे, आप ऐसे पल की गवाही बन जाइए, देश की अखंडता पे आंची यदि आने लगे, आप जहाँ भी रहो सिपाही बन जाइए, आप जहाँ भी रहो सिपाही बन जाइए, आप जहां भी रहो सिपाही बन जाइए। और देखिए साथ में मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि अभी पड़ोसी मुल्कों के जो हालात हैं वो थोड़े से डगमगाए हुए हैं, तो लोग भारत की तरफ भी
कुछ कुछ शंका भरी नजरों से या कुछ जिस बयान को कहना भी उचित नहीं है, सोचना भी उचित नहीं है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि हर दौर में ये गूंजता संवाद रहेगा, हर दौर में ये गूंजता संवाद रहेगा, नफरत में भी ये तो सदा अपवाद रहेगा, कोई मिटा सकता नहीं हस्ती को हमारी, भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद रहेगा, भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद रहेगा, भारत का लोकतंत्र। और जो लोग भी प्रश्न उठाते हैं उनको भी ये बात मैं अंतिम चार लाइनें कहना चाहता हूं कि इसके समक्ष सच में ही खड़ा नहीं कोई, साए में इसके मानिए डरा नहीं कोई, कोई भी था नशा यहाँ हो नहीं सकता, कोई भी था नशा यहाँ हो नहीं सकता, भारत में संविधान से नहीं बड़ा कोई, भारत में संविधान से बड़ा नहीं कोई, भारत में संविधान से, भारत माता की जय।